होली के बाद बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से शासन के संरक्षण में कईयों लोगों की जान चली गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कहते रहते हैं कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है, बावजूद शराबबंदी के नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है। बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ शराब का धंधा फल फूल नहीं रहा हो, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका तंत्रों का है। शराबी को जेल, माफियों को बेल, यही है नीतीश कुमार का खेल। ये बातें नवादा पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का सबसे बड़ा संरक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनके ही संरक्षण में उनके ही लोग प्रशासन को अपने अधीन करके लगातार शराब की आपूर्ति कर होम डिलीवरी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे दुख की बात ये है कि अब तक नवादा की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संवेदना के दो शब्द भी नहीं निकला। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरी परिवार की मौत शराब पीने से हुई है, बावजूद मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की बजाय उसे बचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नवादा की घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इस दुख की घड़ी में राजद की संवेदना मृतक के परिवारों के साथ है। आपको बताते चले कि नवादा की विधायक विभा देवी ने मृतक के परिवार को सहायता राशि प्रदान की है। 5 वर्ष पूरा हुआ था शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उसके 5 साल पूरे हुए थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार इस बातों को जोर देकर के कहते रहे कि शराब बिहार में बदस्तूर सरकारी संरक्षण में आपूर्ति जारी है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बड़े बड़े खेप पकड़े जाते हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है बिहार का जहां पर अवैध शराब का कारोबार फल और फूल नहीं रहा है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका तंत्रों की है। इसलिए लगातार हम कहते हैं कि अवैध शराब के सबसे बड़े अगर कोई संरक्षक हैं तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, क्योंकि उनके ही संरक्षण में उनके ही लोग तंत्रों को अपने अधीन करके शराब की लगातार आपूर्ति बिहार में होम डिलीवरी के रूप में पहुंच रहा है। दुखद स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब नवादा के लोग, गरीब लोग, कमजोर तबके के लोग जहरीली शराब पीने के बाद मौत के अधीन हो गए। मुख्यमंत्री ने इतनी गंभीर घटना पर एक संवेदना के शब्द भी प्रकट नहीं किया। यह स्पष्ट तौर पर लगातार हम कहते रहे कि नीतीश कुमार जी के अगर आंखों में हया का एक बूंद भी कहीं से बचा होता तो जो लोग मृत्यु के अधीन हुए थे, अकाल मृत्यु के अधीन हुए थे जहरीली शराब के कारण, उनके प्रति संवेदना जरूर प्रकट करते। संवेदना प्रकट करने के बजाय सरकार और जिला प्रशासन इसको नीपा पोती में लगना शुरू कर दिया। कोई रिपोर्ट की बात करता, जब शराब पीने वाला व्यक्ति जो इलाजरत है या जिनके परिजन इस बात को देख रहे हैं कि 2 गिलास शराब पीने के बाद हमारी स्थिति बिगड़ी, हम भर्ती हुए, हम मौत के अधीन चले गए मेरे परिजन, इस बात को सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, प्रतिपक्ष के लगातार और मीडिया के साथियों ने इन बातों को प्रमुखता से नवादा में भी उठाया और बिहार के प्लेटफॉर्म पर भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इन चीज़ों को जबरदस्त रूप से जब उठाया गया तो मद्य निषेध विभाग के IG के नेतृत्व में यहाँ पर जाँच का एक दल भेजा गया। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, एक संस्कृत में कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं होती है, पर नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए बचाना चाहते हैं कि यही नीतीश कुमार हैं जिनके लिए इस बिहार के तंत्रों ने सत्ता में बैठाया है एन प्रकारेन, उसके खिलाफ इनके हाथों में इतनी ताकत नहीं कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। बिहार में क्यों नहीं शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी रहेगी अवैध रूप से, जब मंत्री के भाई के
सरकारी प्राइवेट विद्यालय में जब शराब के बड़े खेप पकड़े जाते हैं, गाड़ी के नंबर जारी किए जाते हैं और उसके बावजूद भी बोचहा थाने में कांड दर्ज होता है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उसको संरक्षण करते हैं, जबकि बाकी अन्य कोई अगर किन्हीं के यहाँ कुछ पकड़ा जाता है तो तत्काल थाने खोलने की बात करते हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता, पूरी आइडियोलॉजी कहीं न कहीं गिरमी रख दी है। इसलिए लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते रहते हैं और हम लोग भी बोलते रहते हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब ये बिल्कुल थके हुए हैं, अबाक और हवाक जैसे दिखते हैं। और ये घटना अब नीतीश कुमार के चेहरे पे ऐसा तमाचा है कि अब उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में शराब अवैध रूप से आपूर्ति हो रही है और लोग अवैध कारोबारी फल फूल रहे हैं। एक भी अधिकारी, बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार के धमनियों में अगर खून का एक भी कतरा कहीं अगर बचा है, अगर है ताकत, तो एक नज़ीर पेश करें कि मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से लेकर के जिला पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस रास्ते से शराब की आपूर्ति होती है, सरकार की चुप इस बात का प्रमाण है कि बिहार में पैरल इकोनॉमी अवैध शराब के कारोबार से खड़ा कर रही है और चारों तरफ उनके लोग। मैं उदाहरण के तौर पर याद करिए, हरनौत में जब जनता दल यू के अध्यक्ष को जब पकड़ा था एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने शराब की पूरी खेप को, तो सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अपने लोगों को बचाने की जो फितरत नीतीश कुमार की पुरानी रही है और उसका पूरा नमूना आप सामने देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार के दुख के घड़ी में साथ है,